हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ शुभम रोहिला। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एक हाउसवाइफ जो कि पहले मोदी केयर जैसे अच्छी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रही थी, बट उन्होंने मोदी केयर क्विट करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी TLF क्रिएटर के साथ काम करने का निर्णय क्यों लिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो मैं ये कोई नहीं बोल रहा कि मोदी केयर कंपनी बहुत अच्छी है कि बहुत बेकार है, कि फॉरएवर कंपनी बहुत अच्छी है कि बहुत बेकार है। सब कंपनी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी होती है, बट डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अगर इस तरीके से, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम करोगे ना, काम चल जाएगा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो इस चीज में कोई भी ये दो राय नहीं है कि मोदी केयर अच्छी है कि फॉरएवर अच्छी है। यहाँ पे मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक जो रियल स्टोरी है वो सभी आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ कि रागिनी जी कैसे मोदी केयर से हमारे फॉरएवर में TLF क्रिएटर के साथ जुड़े। वन मोर थिंग, चैनल पे अभी तक पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अलोंग विद दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रागिनी जी का भी एक यूट्यूब चैनल है, वहां भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उनका मोबाइल नंबर भी मैंने वहां पे दे रखा है, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है जिस टाइप की प्रॉब्लम उनको आ रही थी। तो ज्यादा ना करते हुए हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं। सो वेलकम रागिनी जी। हेलो सर, कैसे हैं रागिनी जी आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे? एकदम बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप। तो बताइए थोड़े से बारे, थोड़ा अपने बारे में बताइए पहले, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे? मेरा नाम रागिनी जायसवाल है, मैं आजमगढ़ में रहती हूँ और मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। वैसे तो बच्चे जब तक छोटे थे तो मैं टाइम नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अभी थोड़े बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लग गए, तो उनके पास टाइम रहता तो मैं सोचती कुछ घर बैठ के करूँ। मतलब ऐसे लोग सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, तो मैं सोची वही टाइम में बचा के कुछ करूँ, कुछ अर्न भी करूँ, टाइम भी मेरा उसका यूज हो। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूंगी, तो किसी ने मुझे मोदी केयर के बारे में पहले बताया था। तो मोदी केयर पहले मुझे सुनने में तो अच्छा लगा कि हाँ, सामान जैसे हर महीने तो खरीदते हैं सामान डेली यूज वाला किचन का, तो यहाँ से भी खरीदना होता है तो ईजी ये कर लूंगी, लोग भी खरीदते ही हर महीना तो जुड़ेंगे ही। पहले तो मुझे बहुत ईजी लगा, लेकिन जब मुझे ये करना स्टार्ट किया तो पता चला कि डेली यूज का सामान खरीदने से बिजनेस नहीं चलता, पैसा डेली यूज के सामान से नहीं आता। क्योंकि मोदी केयर ज्यादातर लोग ये बोलते हैं ना, मैं किसी भी कंपनी का बुराई नहीं करना चाहती, क्योंकि मोदी केयर भी नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, हर कंपनी अच्छी होती है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, सब मेहनत करके ही बनाते हैं, प्रोडक्ट भी वहाँ के अच्छे हैं, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है काम करने का ऑफलाइन ना, वो हम मेन हाउसवाइफ के लिए अच्छा नहीं लग रहा था वो करना, क्योंकि हम लोग बाहर निकलते नहीं है, हम लोग ज्यादातर तो घर पे ही रहते हैं। तो हमारे लिए घर पे ही रह के ऐसा कोई काम हो जो हम घर पे ही रह के कर पाए, तो हमारे लिए ज्यादा बेटर था। और मोदी केयर में क्या था कि इसमें ऑफलाइन में मीटिंग करना जाना पड़ता था, लोगों के साथ डेमो करना पड़ता था, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना पड़ता था, बात करना पड़ता था। उससे क्या होता था कि टाइम तो हम लोगों का वेस्ट हो ही जाता था, लोग जुड़े ना जुड़े दूसरी बात है। एक तो हमें घर पर टाइम देना पड़ता था, बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के, और दूसरी बात की लोग जुड़ते नहीं थे, तो और भी हमें बुरा लगता था। और जब डेमो दिखाते तो लोग ये सोचते कि क्या बात है, ये इस तरीके से तेल साबुन का डेमो क्यों दिखा रही है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है क्या, पहले तो ये नहीं करती, तो लोगों का ऐसा माइंडसेट हो जाता था। तो ये सब हम लोग को बुरा फील होता था, मुझे तो खासकर बहुत बुरा फील लगता था, तो मुझे नहीं सही लगता था। और वैसे भी किचन का सामान जैसे मोदी केयर में सब कुछ तेल मसाला, काफी कुछ मसाले वहां निकल गए थे, ऐसे सामान थे जिसको हम किचन में यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था उन सबसे बिजनेस नहीं बनता, क्योंकि मोदी केयर में पीवी होता था, पॉइंट वैल्यू, जैसे फॉरेन में सीसी होता है तो वहाँ पीवी होता था, तो उससे पॉइंट वैल्यू बनता नहीं था, क्योंकि बिजनेस बनता है सप्लीमेंट लेने से, कॉस्मेटिक लेने से, इन सब पे पीवी ज्यादा रहता था। तो लोग वो सब ना लेके हम बता ही नहीं, जबकि आप डेली यूज का किराने का सामान आप हमारे यहाँ से लीजिए तो किराने का ही सामान से जुड़ेंगे, तो उससे बिजनेस बनता नहीं था, मतलब इनकम क्रिएट होता नहीं था वहाँ पे। और इंसल्ट जो होती थी लोगों के घर जाके डेमो करने में, वो अलग अलग ही फील होता था, तो मुझे नहीं सही लगता था, सिस्टम अच्छा नहीं था। कहने का मतलब मेरा कि काम करने, काम गलत नहीं था, सिस्टम सही नहीं था करने का। यही चीज मुझे फॉरएवर में मिला कि सब कुछ ऑनलाइन करना है, सबसे अच्छी बात घर पे रह के करना है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। और मोदी के क्या कि सब बोलते थे कि अपने घर में डीपी स्टोर खोल के रखो ताकि लोग आए तब उनको सामान दे पाओ, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि घर पे लोग उतना सामान खरीदने तो कोई आता नहीं है। लेकिन फॉरेवर में क्या है कि गूगल पे हमारा शॉप खुलाया जाता है, जिससे कि वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं, हमें जाना नहीं पड़ता, लोग खुद हमारे पास आते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं ऑर्डर के लिए प्रोडक्ट के। ये बहुत अच्छा चीज़ हम मुझे यहाँ पे लगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे यूट्यूब से हमें वीडियो बनाना सिखाया जाता है, मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, लेकिन जब मैं फॉरेवर में आई मुझे कैमरा फेस करने भी आ गया, वीडियो कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कैसे नॉलेज देते हैं, कंपनी के बारे में कैसे नॉलेज देते, सब कुछ मैंने यहाँ पे आगे सीखा है। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा है मेन हम हाउसवाइफ लोग के लिए,
मुझे तो ये लगता है कि जितनी भी हाउसवाइफ घर पे रहती हैं, अगर घर पे रह के काम करना चाहती है तो उन्हें फॉरएवर का जो सिस्टम है ऑनलाइन वाला, ये जरूर करना चाहिए ज्वाइन, ताकि वो अपना टाइम भी बचा पाए, अपनी फैमिली के साथ रह भी पाए, अपने बच्चों को देखने के साथ साथ वो अपना काम भी कर पाए, पैसा भी अर्न कर पाए। तो मुझे इस ग्रुप में आने के बाद बहुत अच्छा लगा, जो TLF ग्रुप में मैं आई हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कोई क्रॉस लाइन नहीं है, ऐसा नहीं कि अप्लाई नहीं है तो हम इनसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं, सब एक जैसे है, सब सबको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ये चीज सब जगह नहीं होता है, खैर मुझे मोदी केयर में ये चीज नहीं मिला, क्योंकि वहाँ क्रॉस लाइन है तो कुछ बताएंगे ही नहीं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस करने में कि कैसे मैं क्या करूँ, तो वहाँ कोई नहीं बताता कि वो हमारी डाउनलाइन नहीं, हमारी अपलाइन, हम क्यों इन्हें बताएं, इनका प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा माइंडसेट वहाँ पे था। लेकिन यहाँ टेलर ग्रुप में ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई किसी का भी क्रॉस लाइन है, सब सबको हेल्प करता है, इसे बहुत सपोर्ट देता है हम लोगों को। तो मैं तो यही कहूंगी कि सबको फॉरएवर में सिस्टम में टेलर ग्रुप में आना चाहिए, सिस्टम से काम करना चाहिए, और प्राउड भी बहुत फील होता है इस तरीके से काम करने से। और हम यूट्यूब के जरिए फेमस भी हो रहे हैं, लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, तो वहां से हमारी लीड्स भी आती है, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी के घर घर बैग लेके जाओ, लोगों को ज्वाइन होने के लिए बोलो, ये सब चीज यहाँ नहीं है, यहाँ लीड्स खुद आती है, कॉन्टेक्ट करती है हमें, इससे हमारा बिजनेस भी बनता है। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ इस टीम में आके, फॉरएवर में आके। मैं तो बोलूंगी हर हाउसवाइफ को ज्वाइन करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी ये सारी बातें सुनकर ना मुझे अच्छा फील हो रहा है कि, और प्राउड फील हो रहा है कि चलो एटलीस्ट हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं कि हाउस वाइफ को भी इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत डरे हुए थे, मुझे पता है कि सर मैं कैमरा कैसे फेस करूंगी, मेरे से तो यूट्यूब वीडियोज ही नहीं बनेंगे, मैं कैसे करूंगी, मेरे तो हस्बैंड नहीं मानेंगे, मेरे तो फैमिली मेंबर्स नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं, मतलब तमाम तरह के इनके पास एक्सक्यूजेस थे कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट मुझे जब मैंने इनको पता चला कि ये मोदी केयर में है ऑलरेडी, और मतलब वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है ना, एक मोदी केयर में काम करना, अगर ये इनका काम बढ़िया चल रहा होता तो मैं बिल्कुल ना छेड़ता इनको, लेकिन ये मैंने इनको देखा कि ये स्ट्रगल कर रही है वहाँ पे। इनके पास वो पोटेंशियल है बोलने का, वो पोटेंशियल था इनके अंदर, बट ये नहीं चाहती कि वो रोज बैग उठाए और लोगों के घर घर है जी टक 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 टक, हाँ जी मोदी केयर से आए, आपको ना कुछ डेमो के, कुछ प्रोडक्ट के डेमो दिखाना चाहते हैं। तो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है आप खुद देखिए, और एक हाउसवाइफ सुबह निकल रही है शाम को आ रही है, वो भी नो लेके सबसे कि यार नहीं चाहिए, या फिर बहुत थोड़े पैसे कमा के, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ से, है ना। तो इसलिए देखो स्टार्टिंग में हमारे हमें भी ये लगता था, इसलिए हमें TLF क्रिएटर्स का सारा प्रोग्राम बनाया। आप अभी थोड़ा तो ना एक कंपेरिजन लेके चलते हैं, मान के चलते हैं ये फॉरएवर का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपका मोदी केयर का प्रोडक्ट है। चलो पहले मोदी केयर की बात करते हैं, वैसे मोदी केयर का नहीं है ये कौन सी है, हाँ मॉन्ट ब्लैंक मेरा एक परफ्यूम है वो है ये। तो बात करते हैं, अगर ये मोदी केयर का एक प्रोडक्ट है, आपके हिसाब से आप क्या काम कर रहे थे कि रोज आप जा रहे हो, सुबह निकल रहे हो, मान के चलते आज आज एक शर्मा जी के घर पे आपको जाना है, आप शर्मा जी के घर पे गए, आपने उनको बताया हाँ जी शर्मा जी देखो ये हमारा परफ्यूम है, ऐसे 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 सब कुछ बढ़िया। शर्मा जी ने कहा है तो ठीक लेकिन बाद में बताऊंगा, पूरा दिन आपका लग गया, अब गए वहाँ पे टाइम लगा, बीच में कुछ खाया पिया भी होगा, और अब बाइक स्कूटर मोटरसाइकिल जिससे भी गए हो, कार से गए हो, उसका पेट्रोल सब चीज़, बीच में खाया पिया और टाइम वेस्ट, अब बाद में नो सुन के आ गए आप, है ना। तो एक ये जो इस तरह का जो काम है ये एक बार में आपका काम खत्म, फिनिश, आप आपको कोई नहीं जान रहा है ना, आप सिर्फ सिर्फ शर्मा जी जान रहे हैं और आप जान रहे हैं, क्योंकि आप शर्मा जी के पास गए थे, आपने शर्मा जी को पिच किया, वहाँ पे कुछ नहीं निकला। वहीं अगर कंपेयर करते हैं हमारे सिस्टम पे, मान के चलता है फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि रागिनी जी जाइए डोर और शर्मा जी को बता के विटलेस मैन, नहीं, मैं आपको बोलूंगा रागिनी जी घर पे बैठिए शांति से, एक रूम बना लीजिए और उसमें इस प्रोडक्ट के बारे में पहले पढ़िए और लोगों को बताइए, सबको एक वीडियो बनाइए प्रॉपर, और वो वीडियो शर्मा जी के पास भेजिए, तो सोचिए दो इम्पैक्ट पड़ेंगे उससे। पहले तो शर्मा जी सोचेंगे अरे यार ये तो यूट्यूबर बन रही है, या कितना कॉन्फिडेंस है इस बंदी ने बताया, और शर्मा जी उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, मानते हो इस बात को, और आप भी उसी एक डेमो वीडियो को 1,000 लोग, 2 लाख लोग, 50 लाख, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकते हो थ्रू यूट्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार काम करके आप जिंदगी भर आराम ले सकते हो उससे, ये प्रोसेस वो है। मैं यहाँ पे कोई भी मोदी केयर और फॉरएवर का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिस्टम्स, जो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम का कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये सिस्टम कितना हार्ड है आप सोचिए ना, रोज कहाँ कब तक जाएंगे, एक हाउसवाइफ के बस की नहीं है बार बार जाना, हाउसवाइफ क्या किसी के बस की भी नहीं है, अगर आप एक लड़का हो, लड़की हो, स्टूडेंट हो, जॉब वाले हो, रोज बस की नहीं है कहीं भी जाना, बट हफ्ते में एक वीडियो तो बना सकते हो, और उस एक वीडियो को टाइम पर काम पर लगा दो साल भर के लिए, भाई तू अपने स्टेटस पर लगाओ, अपने लोगों को भेजो कि भाई मैंने एक वीडियो बनाई एक बार देखो जरा, 4-5 ऑर्डर तो वहां से निकाल लोगे आप। तो ये कंपैरिजन है, और मुझे पता है बहुत लोग
नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। दे डू हैव मोटिवेशन, उनके पास मोटिवेशन होता है काम करने का, पूरा प्रॉपर मोटिवेशन होता है, बट काम करना कैसे उनको ये नहीं पता। क्योंकि जिस दिन मुझे इतना पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, जिस दिन लोगों को एक्चुअल काम करना इसका आ गया, मैं बता रहा हूँ इससे तगड़ी इंडस्ट्री कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब नेटवर्क से काम होता है ना। अब आपके डाउन में मान के चलते हैं, अभी आपके डाउन में लोग आएंगे तो वो उनका भी हम यही सिस्टम, उसी सिस्टम के थ्रू काम कराएंगे। सोचिए आपके डाउन में अगर यूट्यूब क्रिएटर्स बन गए, तो सोचिए आप तो यूट्यूब क्रिएटर हो ही, लेकिन आपके डाउन में जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं सबके सब्सक्राइबर्स आपके सब्सक्राइबर्स हैं। अभी मान के चलते हैं मैं शुभम रोहिला, आप मेरे डाउन में आते हो, ठीक है, मेरे मान के चलते हैं आज यूट्यूब पर 10 सब्सक्राइबर्स हैं और आपके यूट्यूब चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स हैं, मान के चलते हैं एग्जांपल, तो आपको पता है मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मेरे 60 सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि मेरे तो 10 तो हैं, लेकिन आपके जो 50 हैं वो हैं आपके, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कोई भी प्रोडक्ट रिटेल होगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पावर ही यही है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके यूट्यूब चैनल से प्रमोट होगा या फिर रिटेल होगा, उसका कुछ ना कुछ कमीशन मेरे को भी आने वाला है, तो क्या मेरे पास 60 सब्सक्राइबर्स नहीं है? तो हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो नेटवर्किंग की जो पावर होती है उसको 2x 3x 10x कर दिया है, जिससे और तगड़ा हमारी रिजल्ट आता है। एंड मुझे पता है अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे साथ काम करते हुए, एंड स्टिल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि इस टाइप की वीडियोज़ ये बनाती हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इनको जाके एक बार चेकआउट करिए। अगर आप भी इस जो भी प्रॉब्लम्स इनके साथ आई हैं, अगर आप भी इस टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी कि किस तरह से ये इन्होंने अपने सारा सिस्टम को स्विच किया, ठीक है। अगर आप सिस्टम सीखना चाहते हो तो वो भी सिस्टम आपको सिखाने के लिए ये रेडी हैं। तो इनका व्हाट्सअप नंबर भी है, आप जाके एक बार इनसे कॉन्टैक्ट जरूर करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच रागिनी जी फॉर कमिंग ऑन आर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच एवरीवन, विशिंग यू गुड लक, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।